अंग्रेजों ने इंडिया पे कितने साल रूल किया, 100 साल, 200 साल या फिर 300 साल? इसका जवाब डिपेंड करता है कि आप इंडिया के कौन से रीजन की बात कर रहे हैं। अब इनिशियली अंग्रेज इंडिया में आए तो थे ट्रेड करने के लिए, लेकिन ये सब चेंज हो गया 1757 में जब बैटल ऑफ प्लासी के बाद बंगाल ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चला गया। लेकिन इसके बाद भी इंडिया का बहुत सारा एरिया कंपनी के पास नहीं था, और उस समय इंडिया में मराठास, टीपू सुल्तान और राजपूताना जैसी दूसरी मेजर पावर्स भी थी। लेकिन आने वाले डेकेड्स में ये सब एम्पायर्स एक एक करके ढह गए कंपनी के सामने, और इसके बाद आया 1857 का रिबेलियन, जिसे मॉडर्न इंडिया का पहला फ्रीडम स्ट्रगल भी कहा जाता है। ईस्ट इंडिया कंपनी इस रिबेलियन को तो कंट्रोल करने में कामयाब हो गई, लेकिन इसके बाद पावर कंपनी के हाथों से निकल के ब्रिटिश क्राउन के पास चली गई। ये वो टाइम था जहां ब्रिटिशर्स पूरे इंडिया को डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कंट्रोल कर रहे थे, और इसके बाद इंडिया को 90 साल और इंतजार करना पड़ा आजादी के लिए।